श्री कृष्ण भगवद गीता के अध्याय 2 में अर्जुन को कहते हैं, हे पार्थ, इस असामाजिकता के आगे झुकना तुम्हें शोभा नहीं देता। हृदय की ऐसी क्षुद्र दुर्बलता को त्याग दो और उठो, हे शत्रुओं के वनवासी। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा एक दिन जरूर रोएगा। व्यक्ति की सफलता का कारण उसका भाग्य नहीं बल्कि उसके कर्म होते हैं। अकेले रहने में कभी मत डरना, क्योंकि बाज हमेशा अकेले उड़ता है और कबूतर झुंड में। अगर विश्वास खुद पर हो तो उजड़ी हुई जिंदगी भी दोबारा खिल सकती है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, चाहे सारी दुनिया आपके विरोध में क्यों ना हो। एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जो भावनाओं से लड़ना सीख गया, समझो वो जिंदगी जीना सीख गया। मुझमें और किस्मत में हर बार बस यही जंग है, मैं उसके फैसलों से तंग, वो मेरे हौसले से दंग। तुम अकेले चलने की हिम्मत तो करो, ईश्वर हजारों रास्ते देने को तैयार है। दुनिया का सबसे अच्छा गहना है परिश्रम, और सबसे अच्छा जीवन साथी है आत्मविश्वास। जब थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानो। आज बुरा है शायद कल अच्छा आएगा, वक्त ही तो है रुक थोड़े ही जाएगा। हौसला और घोसला मत छोड़िए, सब सही हो जाएगा। शौक उनके अक्सर कम हो जाते हैं जो कम उम्र में ही जिम्मेदार हो जाते हैं। महत्व सदा ही खुद को ज्यादा देना, क्योंकि अगर दूसरों को दोगे तो आत्मसम्मान खो दोगे। वक्त अच्छा हो या बुरा, ऊपर वाला कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, इसलिए ईश्वर में हमेशा विश्वास रखे। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा। कभी हार मत मानो, क्या पता आपकी जीत सिर्फ एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी अस्तित्व को नष्ट मत करो। टूटी चीजें हमेशा परेशान करती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा किसी से उम्मीद। कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था, कितना भी मुश्किल समय हो जरूर निकलेगा रास्ता। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के भरोसे का नहीं। किस्मत सिर्फ मेहनत करने से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। कभी निराश मत बैठो और हार मत मानो, क्या पता कल आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हो। दुनिया की हर परेशानी आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है। बहुत मुश्किल होता है उस व्यक्ति को हराना जिसे चलना बुरे वक्त ने सिखाया हो। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। कभी हिम्मत ना हारना दोस्त, जिंदगी ने बहुत कुछ सोच के रखा है तेरे लिए। याद रखिए, अगर आप किसी को रोशनी दिखाने के लिए दीपक जलाएंगे तो उजाला आपके सामने भी होगा। हमारी कमजोरियां यह साबित नहीं करती कि हम कमजोर हैं, बल्कि यह बताती है कि हमें और कोशिश करने की जरूरत है। जिम्मेदारियां भी खूब इम्तिहान लेती हैं, जो निभाता है उसी को परेशान करती हैं। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो किसी दूसरे को समझाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती है। यदि आपके पास आत्मविश्वास है तो आपने आधी बाजी खेलने से पहले ही जीत ली। आत्मविश्वास हमेशा सही होने से नहीं, बल्कि गलत होने का डर न होने से आता है। हर बार जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हमारी शक्ति, साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है, और आत्मविश्वास के लिए तैयारी। किसी काम को करने का कौशल आपके काम करने से ही आता है। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी इसलिए नहीं डरता कि पेड़ डाल हिल रही है, क्योंकि पंछी डाली में नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। अपने आप पर भरोसा करें। आत्मविश्वास से सफलता मिलती है, और सफलता से आत्मविश्वास बढ़ता है।
जिंदगी में छोटी छोटी बातों में विश्वास रखें, क्योंकि इनमें ही आपकी ताकत छुपी होती है। किसी काम को करने का कौशल आपके काम करने से ही आता है। सबसे खूबसूरत चीज जिसे आप पहन सकते हैं वह आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास की सुंदरता सीधी आपके चेहरे पर दिखती है। आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, तब आप में आत्मविश्वास आता है। विश्वास और आत्मविश्वास ऐसे हैं जिन्हें आप हर दिन कमाते हैं और इसे हर दिन कमाते रहेंगे। दूसरे में अच्छाई देखना खुद में अच्छाई होने का एक अच्छा प्रमाण है। जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो आपका मन शांत होता है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा एक दिन जरूर रोएगा। आत्मविश्वास और आत्मसाहस आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में सफल होने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, अंधिज्ञता और आत्मविश्वास। महान कार्य करने के लिए आत्मविश्वास पहली अनिवार्यता है। खुद को कभी भी किसी भी हाल में बिखरने मत देना, क्योंकि लोग तो गिरे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। यदि आप एक बार अपने साथी नागरिकों का भरोसा तोड़ दें, तो आप फिर कभी उनका सत्कार और सम्मान नहीं पा सकेंगे। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वही काम करो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है। अपना आत्मविश्वास हासिल करने का सबसे तेज तरीका डर पर काबू पाना है। संघर्षों से आत्मविश्वास तैयार होता है, फिर जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होता है। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्णा।